माय सिटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो गाइज, हम लोग नीट 2021 के लिए जो आज तक प्रीवियस ईयर जितने भी हुए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ही बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और केमिस्ट्री के करेंगे तो पैरेलल में केमिस्ट्री और फिजिक्स चलती रहेगी मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो नंबर 3 है और इसके पहले ये 2 वीडियो बन गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, हम जब शुरू किए थे 2001 से शुरू किए थे और 2020 तक क्या है टारगेट है कि 2020 तक जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर पेपर नीट के आईपीएमटी के हुए हैं सभी डिस्कस कर जाए किए जाएं। तो ये पेपर जो है ये 2007 का है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग प्लीज़ जितने भी 2001 से लेके 7 तक बने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, काफ़ी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। इवोल्यूशन चैप्टर से है, इवोल्यूशन में जो इंडस्ट्री ये क्वेश्चन कह रहा है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म एज ऑब्जर्व इन प्रिपेयर्ड मॉथ प्रूफ्स दैट। ये जो प्रिपेयर्ड मॉथ की मॉथ क्या होता है, मॉथ एक कीड़ा है, एक कीट है। तो ये जहाँ मान लीजिए इंडस्ट्रियल मिलेनिज जहाँ पे एक इंग्लैंड की ये बात है, एनसीईआरटी में दिया गया है, इंग्लैंड पे जब क्या किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, इंडस्ट्री लगाया गया, तो इंडस्ट्री से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, धुआं निकलेगा आदि। तो धुआं क्या होता है, धुआं कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो काला कर देता है। जो कीट होते हैं ये मॉथ होते हैं, तो मॉथ तो ऐसा है नहीं कि ये सफ़ेद थे पहले, तो जैसे जैसे इंडस्ट्री होती गई तो ये कीट जो कीट हैं ये काले होते गए, धुआं से इनका कलर चेंज होता गया, और जिसका कलर थोड़ा मोड़ा बचा तो ये काले वाले ज़्यादा हो गए, तो इस काले वाले ये व्हाइट को खा गए, तो ज़्यादा काले वाले हो गए, तो ज़्यादा काले वाले सर्वाइव कर गए। तो सर्वाइव जो कर गए थे नेचुरल सिलेक्शन हुआ था, नेचुरल सिलेक्शन। तो इस देख लीजिएगा कहाँ पर इस ऑप्शन में नेचुरल सिलेक्शन होगा, तो वही ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन मिलेनिक फॉर्म द मॉथ हैज नो सेलेक्टिव एडवांटेज लाइटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया, ये बी देख लीजिए लाइटर फ्रॉम, और थर्ड सी क्या कह रहा है मिलेनिज पॉल्यूशन जनरेट, ये देख लीजिए। तो डी ऑप्शन आप लोग देखिए, डी ऑप्शन कह रहा है ट्रू ब्लैक मिलेनिक फार्म एराइज बाय रिक्वायरिंग रैंडम म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से होता है, क्यों रैंडम म्यूटेशन हुआ, ये जो ये इवोल्यूशन जो सपोर्ट किया गया था नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, तो इंडस्ट्रियलाइज जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ वैसे वैसे ये चेंज होता गया, तो रैंडम म्यूटेशन की वजह से, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 166 देख लीजिए, हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है हाई डेंसिटी ऑफ एलिफेंट, किसी भी एरिया में एलिफेंट की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर जा रही है, उनकी डेंसिटी मतलब नंबर इंक्रीज कर जा रहा है, तो इसका रिजल्ट इसमें किस कारण हो रहा है, ये मतलब क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये एलिफेंट की संख्या इंक्रीज कर रही है, तो सभी तो एलिफेंट है ना, तो स्पीसीज जो है ये सेम की बात कर रहा है, स्पीसीज सेम की संख्या बढ़ रही है, तो अगर संख्या बढ़ेगी तो फूड भी चाहिए, फूड ज़्यादा चाहिए क्योंकि ज़्यादा लोग संख्या बढ़ रही है, फूड भी चाहिए और उनको रहने की प्लेस भी चाहिए, स्थान भी चाहिए, तो उनमें क्या होगा, उनमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा या क्या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, प्रीडेशन वन अनदर होगा या म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म तो होगा नहीं, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा तो साथी बन जाएंगे, इसीलिए उनमें क्या होगा कंपटीशन होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन उसमें होता है जिसमें स्पीसीज डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के स्पीसीज डिफरेंट होंगे तब इंटर स्पेसिफिक होगा। इंटर मींस होता है दो के बीच में, ये देखिए जैसे एक यहाँ बना दीजिए दो यहाँ बना लीजिए, अगर इनके दोनों के बीच में कंपटीशन होगा तो इंटर स्पेसिफिक होगा, और ये एक दो तीन यहाँ दोनों एक ऐसे सर्किल बना लीजिए कम्युनिटी एक दो तीन यही सर्किल में सभी में कंपटीशन हो तो इंट्रा स्पेसिफिक, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 देख लीजिए, ये ड्राफ्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस सेपरेटली आर फोर स्लाइड, चार स्लाइड ले लीजिए, चार डिस्क आप लोग ले लीजिए, व्हिच ऑफ देम विल नॉट कैलकुलेट। अब उसका एक एक ड्राफ्ट इस पे रख दीजिए और ये कह रहा है ये ड्राफ्ट में कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा, तो कैलकुलेशन क्यों नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्लड सीरम है, तो ये सभी जो लिए गए थे ब्लड सीरम है, बहुत अच्छी बात, एकदम राइट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगर ब्लड में से हम लोग क्या क्लाटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, ब्लड में से
क्लॉटिंग फैक्टर होता है, क्लॉटिंग CLOTING क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड को क्लॉट करता है, फाइब्रिन उसको निकाल देते हैं तो सीरम ही बनता है। सीरम अब तो सीरम क्या, सीरम तो अब तो घोड़े से निकाला जाता है, नॉन ह्यूमन जो मैमल्स होते हैं जैसे हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है तो घोड़े में से अब सीरम निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कागुलेट नहीं होता, जमता नहीं, तो सीरम कभी जमता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 देख लीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यह क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होगी, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट इवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सबसे अधिक डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी किस रीजन पे होती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे तो हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कह रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं। इन ह्यूमन बॉडी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट, कौन सा इसमें करेक्ट मैच दिया गया है, तो कॉलर बोन थ्री पियर होती हैं, ये गलत हो जाएगा, सेलेबरी ग्लैंड वन पियर होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्रेनियल नर्व 10 पियर होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा, और फ्लोटिंग रिब्स 2 पियर होती हैं, तो यही करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, ये जो रिब्स होती हैं ना, रिब्स जो होती हैं ये कितनी होती हैं, रिब्स जो होती हैं ये टोटल जो होती हैं 24 होती हैं रिब्स, और अगर पेयर की बात करेंगे तो 12 पेयर होती हैं, तो ये हो गया, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जो 12 पेयर होती हैं ना, ये ट्रू रिब्स कुछ होती हैं, कुछ फाल्स रिब्स होती हैं, और कुछ फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो ऐसे हम लोग लिख लें, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, कभी गलत नहीं करेंगे, ऐसे लिख लीजिए 732 लिख लीजिए, 732 ऐसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद सात क्या लिख लीजिए, ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग ऐसे लिख लीजिए, ट्रू रिप्स, ये सात क्या हैं, ये सात ट्रू रिप्स हैं, और ये तीन क्या हैं, ट्रू के बाद क्या हैं, थ्री जो हैं ये फॉल्स हैं, एफ ए एल एस लिख लीजिए, और ये टू क्या हैं, ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, एफ एल ओ लिख लीजिए, फ्लोटिंग, तो ऐसे लिख लीजिए 732 ट्रू लिख लीजिए, फॉल्स लिख लीजिए, फ्लोटिंग, जो ये सात पेयर पहले वाली होती हैं ना, ये ट्रू रिप्स होती हैं, फिर सात के बाद 3, 10 आता है, तो सात के बाद 8, 9, 10 तीन पेयर जो होती हैं ये क्या होती हैं, फ्री फॉल्स होती हैं, फॉल्स मतलब फॉल्स होती हैं, फॉल्स रिप्स होती हैं, और ये जो टू रिप्स मतलब 10 के बाद 11 और 12 मतलब दो पेयर जो होती हैं फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो कॉलर बोन लिख सकते हैं, कॉलर बोन कितनी पेयर होती हैं, तो टू पेयर होती हैं, यहाँ दो का तीन काट के दो कर लीजिए, और सलेबरी ग्लैंड एक काट के यहाँ कर लीजिए, सलेबरी ग्लैंड थ्री पेयर होती हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा भी गया है, और क्रेनियल नर्व यहाँ 10 काट के यहाँ 12 लिख लीजिए, 12 पेयर होती हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि टीलोमर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ यूकेरियोटिक क्रोमोसोम, बिकॉज द, कह रहा है जो ये टीलोमर रिपीटेटिव डीएनए है सीक्वेंस है ये कंट्रोल करता है यूकेरियोटिक क्रोमोसोम का जो फंक्शन, तो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम के टिप पर क्या पाया जाता है, टीलोमेर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है, और ये क्या देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आरआरएनए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटर, हेल्प क्रोमोसोम पेयरिंग, या प्रिवेंट क्रोमोसोम लॉस, या एक्ट रिप्लिकेशन, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये क्रोमोसोम लॉस को प्रिवेंट करता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि टीलोमर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस है ये किस में नहीं पाया जाता है, तो जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा, प्रोकैरियोट की बात करेगा, उसमें नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए 171, स्पोर डिसमिनेशन इन सम लीवर वर्ड्स इज एडेड बाय, लीवर वर्ड ये किसका मेंबर है, ये ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, तो ब्रायोफाइट्स में कह रहा है स्पोर जो डिस्पर्शन होता है, स्पोर का डिस्पर्शन होता है वो लीवर वर्ड्स में जो होता है वो
किसके थ्रू होता है? तो इंडूसियम क्लिप्टरा या पेरिस्टोम टीथ या इलेटर्स। तो अगर हम लगाते हैं तो पेरिस्टोम टीथ लगा देते हैं तो वही गलत हो जाता है, क्योंकि स्पोर डिस्पर्जन जो होता है लीवर वर्ट्स में जो होता है वो इलेटर्स के थ्रू होता है। इलेटर्स क्या होती है? इलेटर्स एक सेल होती है, ये सेल्स के थ्रू ही क्या होता है? स्पोर डिस्पर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 172 देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और अलग अलग थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा जाता है और पूछा ही जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एन एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। ये देख लीजिए, नॉट लगा दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है ऐसे क्वेश्चन। नॉट एसेंशियल माइक्रो, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा माइक्रो एलिमेंट होता है कौन सा माइक्रो। तो चलिए हम एक बता देते हैं, तो एक याद करेंगे तो दूसरा तो हो जाएगा। माइक्रो मतलब बड़ा वाला, अगर माइक्रो मीन्स छोटा वाला, माइक्रो मीन्स बड़ा वाला। माइक्रो ये देख लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट आप लोग लिख लीजिए और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खून पी के कैश मांगे लिख लीजिए, CHON खून हो गया, खून पी के कैश मांगे, CAS कैश मांगे मतलब मैग्नीशियम। तो फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम सल्फर मैग्नीशियम, ये जितने एलिमेंट हैं आपको दिख रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं। तो ये देख लीजिएगा, नॉट एसेंशियल इसमें कह रहा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल जो होता है वो नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन नहीं है मतलब माइक्रो हम लोग को देखना है। तो माइक्रो अब आप लोग देख लीजिए ना, खून पी के कैश, ये देख लीजिए कैल्शियम तो माइक्रो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 देख लीजिए, दी ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये जितनी ग्लाइकोलिसिस हो गया, ये आपका सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस होगा तभी ये क्रेब्स साइकिल भी वहीं चलती है माइटोकांड्रिया में, तो ग्लाइकोलिसिस माइटोकांड्रिया में भी चलती है, ये भी साइटोप्लाज्म सेल के। तो ये कह रहा है दी ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फॉर्मेशन ऑफ। तो ये सभी क्या फॉर्मेशन करते हैं? एटीपी में लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शुगर या न्यूक्लिक एसिड या एटीपी इन स्टेप वाइज यूनिट। तो ये सही है, स्टेप वाइज में एटीपी ये क्या करते हैं? यूनिट जनरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 देख लीजिए, ये कह रहा है एडाप्टिव रेडिएशन रिफर टू। तो एडाप्टिव रेडिएशन क्या होती है? एडाप्टिव रेडिएशन जो ये होती है, ये इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। एडाप्टिव रेडिएशन ये शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये देख लीजिए 174 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग पढ़िए, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, मतलब एक ही जगह से ओरिजिन हुई है और डिफरेंट स्पीसीज यहाँ से निकले हुए हैं। तो एक जगह से ओरिजिन हो और उनके फंक्शन जो हैं डिफरेंट हो, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही शो करता है। तो फंक्शन डिफरेंट हैं, अगर फंक्शन डिफरेंट हैं तो क्या होगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एडाप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब इसमें से कह रहा है कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? लीफ को फॉल करा देता है। जब हम लोग जिब्रेलिक एसिड पेड़ पौधों पे, मान लीजिए आम की बाग है, आम के बाग में जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव किया गया पौधों पे पेड़ पे, तो पत्तियां गिर जाएंगी क्या? ऐसा नहीं होगा। तो यही तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में करेक्ट नॉट करेक्ट पूछ ही रहा है। साइटोकाइनिन क्या करती है? सेल डिवीजन करती है। इंडोलेस्टिक एसिड क्या करती है? सेल वॉल इलांगेशन। और एब्सेसिक एसिड स्ट्रोमेटल क्लोजर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है डी वाला। तो जिब्रेलिक एसिड एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें एसिड होता है जो क्या करता है, जो सेनेसेंस को पेड़ के बुढ़ापे को रोक देता है, सेनेसेंस को कम कर देता है, तो वो जिब्रेलिक एसिड ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का वैसे तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए 176, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। एकदम फर्स्ट ऑप्शन एकदम राइट है। ये कह रहा है फिटनेस जो होता है, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर का फिटनेस बना लेते हैं, तो ये एंड प्रोडक्ट एंड रिजल्ट होता है किसका? अडॉप्ट नेचर के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। तो
सर्वाइव तो वही करेगा ना नेचर में जो अपने आप को फिट रखेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 देख लीजिए, कह रहा है मेल गैमिट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, ये कह रहा है कि मेल गैमिट जब एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में जो बनता है वो किसके द्वारा किस डिवीजन किस क्या चीज डिवीजन करती है तब बनती है। तो दो मेल गैमिट बनते हैं अगर फॉर्मेशन होता है तो लार्ज इसमें देख लीजिएगा एक, अगर ये 177 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो जनरेटिव सेल होती हैं इसी में तो माइटोसिस होता है। क्या होता है वो माइटोसिस होती है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरेटिव सेल हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड, तो ये हैप्लॉइड सेल होती है। अब इस सेल में जब माइटोसिस होता है मियोसिस तो होगा नहीं क्योंकि हैप्लॉइड सेल है, माइटोसिस जब होगा तो यहाँ से क्या बनता है दो मेल गैमिट बन जाते हैं, दो मेल गैमिट बन गए और एक वेजिटेटिव सेल बनता है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 178 का, 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन ये प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन, ग्रीन पे डोमिनेंट है येलो सीड, हेटरोजाइगस येलो, हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस मींस एक कैपिटल वाई बना दीजिए एक स्मॉल वाई और क्रॉस करा दीजिए येलो सीडेड प्लांट क्रॉस विथ ग्रीन सीडेड प्लांट। अब स्मॉल वाई स्मॉल वाई में क्रॉस करा दीजिए ग्रीन सीडेड प्लांट वुड बी, अब F1 जनरेशन में पूछ रहा है तो F1 जनरेशन में जब आप क्रॉस कराएंगे ना तो जब यहाँ से क्रॉस करा लीजिए तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलेगा आपको 50% ये येलो हो जाएगा और आपको वो स्मॉल वाई ग्रीन मिलेगा 50%, तो 50-50 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन सेल्स इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली, एरोबिकली मीन्स ऑक्सीजन लेके, कह रहा है कि कौन सा मैमेलियन सेल है जिसमें मेटाबोलाइजिंग करके ग्लूकोज से कार्बन डाइ ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है ना ग्लूकोज तो आपको CO2 मिलेगा और वाटर मिलता है, तो ये क्रिया किसमें नहीं हो पाएगी, CO2 और वाटर नहीं मिल पाएगा। तो CO2 नहीं मिल पाएगा अनस्टेटेड मसल सेल्स में, तो मसल सेल्स में न्यूक्लियस तो होता ही है, लीवर सेल में भी न्यूक्लियस होगा, वाइट ब्लड सेल में भी न्यूक्लियस, बट रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये ग्लूकोज बन नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ना ही एंजाइम बन पाएगा और ना ही प्रोटीन बन पाएगा, कुछ बन ही नहीं पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, ये ह्यूमन मेल रिप्रोड्यूस स्पर्म विथ जीनोटाइप्स ए कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी पर्टेनिंग टू डायलिक कैरेक्टर्स इक्वल प्रोपोर्शन, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग जीनोटाइप ऑफ पर्सन। अब ये एकदम राइट हो जाएगा, ये डी ऑप्शन राइट होगा जब इसमें आप लोग देखेंगे करेंगे तो एक कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा एक कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, व्हाट इज कॉमन टू व्हेल सील्स एंड शार्क, व्हेल ये सभी फिश हैं मछली हैं तो इनका तो जो क्या व्हेल सील्स और शार्क का जो फंक्शन होता है ये क्या होता है, फंक्शन तो एकदम सेम होगा क्योंकि इनकी जो ये सभी एक्वाटिक मैमल्स हैं ना, ये सभी मैमल्स यहाँ एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक मीन्स जो जल में रहते हैं और इनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है, फंक्शन सिमिलर होता है तो ये क्या शो करेंगे फंक्शन, FUNCTION फंक्शन जो होगा ये सिमिलर होगा। सिमिलर कैसा होगा मतलब सभी तैरेंगी, सभी में फ्लिपर्स होगा और ये सभी तैरेंगी तो फंक्शन सेम है बट इनकी ओरिजिन डिफरेंट है। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन सेम है, फंक्शन डिफरेंट बोले हैं क्या, फंक्शन सेम है क्योंकि सभी तो तैरेंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, फंक्शन सेम होगा, सभी तैरेंगी सभी में फ्लिपर्स पाए जाएंगे और इनकी जो ओरिजिन होगी वो डिफरेंट होगी तो फंक्शन सेम किस में होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन, तो 182 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इवोल्यूशन चैप्टर से है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए स्पीशिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये कह रहा है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस जियोग्राफिकल आइसोलेशन, आइसोलेशन स्पीशिएशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है लाइसोजाइम दैट प्रेजेंट इन प्रेस्पायरेशन सलाइबा एंड टीयर्स। लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? प्रेस्पायरेशन जब आपको स्वेटिंग होती है, सलाइबा में और टीयर्स में। डिस्ट्रॉय सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को ये सभी लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है? ऑल वायरस मोस्ट वायरस इन्फेक्टर्स सर्टेन फंजाई। तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग के आँख में जो टीयर्स आंसू निकलते हैं तो हम लोग की आँख देखेंगे एकदम क्लीन हो जाती है, कभी रो के देख लीजिए एकदम क्लीन हो जाती है उसके बाद। तो क्योंकि उसमें जो आपके धूल कंकड़ होते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो होती हैं, कुछ भी होता है तो वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। अगर क्या चीज़ एडमिनिस्ट्रेट किया जाए तो मेंस्ट्रुएशन क्या डिफर्ड हो जाएगी। तो 184 का ऑप्शन नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या होती है? स्त्री हार्मोन होती है ये, एकदम आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन होती है, स्त्री हार्मोन जो फीमेल में ओनली पाई जाती है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अगर इंसर्ट किया जाएगा तो उनका मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, डिफर्ड हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें कह रहा है कि किसमें नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो 185 का ऑप्शन नंबर प्रोलीन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोलीन सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से मिलकर नहीं बना होता, तो प्रोलीन कभी भी नहीं सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 186 को हम देख लेते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर टू ये बुल एंड ब्लॉक इज डुसाइल। डुसाइल मीन्स सामान्य होता है, बिकॉज आप बुल और बुल मीन्स बैल होता है, तो बैल जो होते हैं जोड़े होते हैं, और डुसाइल मतलब समान कैसे होते हैं, सामान्य रूप कैसे आपको देखते हैं 186 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें सामान्य कब होता है, तो सामान्य कब होंगे जब हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोन या लोअर लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है ना, कहते नहीं है जो सांड होते हैं घूमते हैं उनमें ज़्यादा शक्ति होती है, अभी कहीं रास्ते में मिल जाते हैं तो वो उठा के ऐसे फेंक देते हैं किसी बड़े बड़े चीज़ को, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो होता है सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वो अगर बैल्ज में डुसाइल सामान्य कब आपको दिखेंगे, जब उनका लोअर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187 देख लीजिए, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू ये नर्व फाइबर पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब उसमें होता है तो पहले पोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन, फिर रिपोलराइजेशन। तो पहले निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर अगेन दोबारा रिपोलराइजेशन में निगेटिव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जब ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्स वाला देखेंगे तो वहाँ पे यही डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एग्जोटिक स्पीसीज। एग्जोटिक मीन्स जो अपने इंडिया से बाहर लाई गई है और अब यहाँ खतरा पैदा कर रही है। एग्जोटिक स्पीसीज जो मतलब बाहर से आई गई है और इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो कौन सी है? लेंटेना है और कमारा है और वाटर हाइसियंथ है। वाटर हाइसियंथ तो काफ़ी ये खतरनाक हो गया है, जिसको ऐसे देखते हैं तालाब में जल कुंभी की तरह, उसी की बात कर रहा है। ये एकदम तालाब में छा जाती है और वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी में वो डेथ करने लगते हैं, उनकी मृत्यु होने लगती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189, इन जिम्नोस्पर्म में द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट। पोलन चैम्बर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये 189 का माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो ये देख लीजिए 189 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन देख लीजिए, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन व्हिच पोलन ग्रेन डेवलप। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो पोलन ग्रेन मतलब माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? माइक्रोस्पोर, जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं, माइक्रोस्पोर। तो ये कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑर्गन डिफरेंशिएशन डिपेंड ऑन द मॉड्यूलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तो डायरेक्ट पॉलीमरेज, आप आरएनए पॉलीमरेज लगा दीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो ये आरएनए पॉलीमरेज का ही रोल होता है।
तो 190 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 90 क्वेश्चन हो गए, 90 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अब नीट में। इस बार तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ऑप्शनल रिड्यूस सिलेबस की बात कर रहा है ना। तो लेकिन 180 कितना, 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन आपके 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे, और 90 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे बायोलॉजी से। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी मतलब आपका जूलॉजी पार्ट रहेगा और बॉटनी पार्ट रहेगा, 45-45, बट 200 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और 180 क्वेश्चन आपका मान्य होगा। तो इस बेस पे अब की बार पेपर पैटर्न होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक लूप इन ह्यूमन, ये कह रहा है नेगेटिव फीडबैक हम लोग को देखना है ह्यूमन में। तो 191 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 191 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होने वाला है ये डी ऑप्शन देख लीजिए, यही नेगेटिव फीडबैक देगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हेन इट इज़ टू कोल्ड, तो ये क्या होता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। कोल्ड में जब ठंडी लगती है तो सिकुड़ जाती हैं सब, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिर सही हो जाती हैं, नेगेटिव फीडबैक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इन डीएनए आर, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन जो होती हैं डीएनए में, ये वाटसन एंड क्रिक ने ही दिया था, तो वो क्या दिए थे, एंटी पैरेलल दिए थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटी पैरेलल। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन जो होती हैं डीएनए में एंटी पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, अब इसमें 193 में हमको देखना है कि इसमें कौन सा करेक्ट दिया गया है। तो क्रोकोडाइल कह रहा है कि चार चैम्बर हार्ट होता है, तो एकदम सही है। सी अर्चिन में पैरापोडिया होती है, ये गलत हो जाएगा। ओबिलिया में मेटाजेनेसिस होती है, एकदम सही है, ये आप एनिमल किंगडम में पढ़े हैं, मैंने ही पढ़ाया है। लीमर जो होती है, लीमर में थीकोडांट होते हैं, जो तीत होते हैं लीमर के, क्योंकि लीमर्स क्या होते हैं, ये मैमल्स ही होते हैं, तो मैमल्स में जो दांत होते हैं गड्ढों में धसे रहते हैं, उनको थीकोडांट तीत कहते हैं, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फिर उसके बाद आप जाएंगे ओबिलिया, फिर लीमर, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विज ये नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल, तो नर्व सेल को क्या कहते हैं, 194 का आप लोग देख लीजिएगा, नर्व सेल को न्यूरॉन्स कहते हैं, NEURON न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन को तो ही कहते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट इकाई क्या होती है, न्यूरॉन्स ही होती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। बैक्यूल्स एंड फाइबर होते हैं, फ्लेजिलम एंड मेडुलरी शीथ होती है, या न्यूक्लियस और माइटोकांड्रिया होते हैं, या डी ऑप्शन पेरिकेरियन एंड डेंड्राइट्स होते हैं, तो एकदम सही है। पेरिकेरियन को क्या कहते हैं, पेरिकेरियन को ये कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं, CEELL सेल बी ओ डी वाई सेल बॉडी कहते हैं, और डेंड्राइट्स पाई जाती है क्योंकि इंपल्स को यही तो सेल बॉडी में लाती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन मेज में हाइब्रिड बिगर इज एक्सप्लॉयटेड बाई, तो मेज में जो हाइब्रिड बिगर होता है ये क्या शो करता है, तो 195 में ये देख लीजिएगा, 195 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रीड पेरेंटल लाइंस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री, जो पोल्ट्री में जहाँ पे पालन होता है पोल्ट्री में, तो वो कौन सी डिजीज होती है, वायरल डिजीज जो वायरस के थ्रू होती है, तो न्यूकास्टल डिजीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई PR मतलब फाइटोक्रोम रेड वाली की बात कर रहा है, तो फाइटोक्रोम रेड वाली कौन सी लाइट को, क्या किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो 697 का ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लगाएंगे। अगर PFR देता, फार रेड लाइट देता, PFR ऐसे दे देता, तो हम लोग क्या लगाते, तो 700 आपको लगाना पड़ता, 730 से अबव लगाते, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे PR दे रहा है, फाइटोक्रोम रेड की बात कर रहा है, तो 680 लगाएंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। PFR का भी याद कर लीजिएगा, 730। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, कुछ प्लांट और कुछ एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो वाटर इन्वायरमेंट इंडिकेटर होते हैं, कंडीशन इंडिकेटर करते हैं, तो वही कह रहा है वाटर इंडिकेटर इसमें से कौन सा नहीं है, तो स्टोन फ्लाई आप लोग याद कर लीजिएगा, स्टोन फ्लाई जो होता है ये बायो इंडिकेटर नहीं होता वाटर पोल्यूशन के लिए,
तो स्टोन फ्लाई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, फीलिंग ये देख लीजिए, फीलिंग द ट्रीमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक हो, ज्वालामुखी फटे, और स्केयर्ड रेसिडेंट्स ऑफ सेवन्थ फ्लोर ऑफ मल्टी स्टोरी, आप सेवन्थ फ्लोर पे मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं और स्टार्ट क्लाइंबिंग, आपसे वहाँ क्लाइंबिंग मतलब कूदना शुरू कर रहे हैं, डाउन द स्टेयर, स्टेयर से उतर रहे हैं तेज़ी से, तो रैपिडली तेज़ी से, तो व्हिच हार्मोन इनिशिएटेड दिस एक्शन, अगर यार ऐसे ही मान लीजिए आप अगर कहीं जा रहे हैं ना, आपको कुत्ता ही रपटा ले, शेर लायन रपटा ले या फिर डॉग रपटा ले, तो आपको डर लग जाती है, तो आपको एड्रेनालिन एक हार्मोन होता है वही सिक्रेट हो जाता है। तो ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये एड्रेनल ग्लैंड की एक कौन सी रीजन होती है, एड्रेनल ग्लैंड में दो रीजन होती है, मेडुला होता है और क्या होता है, कार्टेक्स रीजन होता है, तो मेडुला रीजन से ये सिक्रेट होती है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, फोलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस, जैसे अनराइप राइस से जो फोलिस सीडलिंग डिजीज होती है वो डिस्कवर किया गया था क्या, जिब्रेलिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि जिब्रेलिन जो था, जिब्रेलिक एसिड जो था, वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो आप लोग यहीं पे लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, जिब्रेलिक एसिड कुरोसोवा लिख लीजिए, कुरोसोवा, SAWA, कुरोसोवा एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था क्या, जिब्रेलिक एसिड। तो ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2000 क्या शुरू करेंगे, जो AIPMT जब हुआ था 2008 में, तो 2008 का मॉडल करेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, 2008 का नेक्स्ट वीडियो आप लोग इंतज़ार जरूर करिए और प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, सभी वीडियो को रिवाइज करते रहिए। और मेरे चैनल पर नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी हो गया, नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल, फार्मेसी और नीट, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी मैं करा रहा हूँ और आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोग के चैनल जो ये आप लोग के लिए क्रिएट किया गया है, तो आप लोग सब्सक्राइब जब कर लेंगे तो फिर जनसंख्या इस पर जो है काफ़ी फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, तो फिर मज़ा आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो को देखने के पहले आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, तो लाइक से फिर अच्छा लगता है, तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, आप लोग चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और एक और पैरेलल भी वीडियो केमिस्ट्री और फिजिक्स की आती रहेंगी, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।